नमस्कार जी, पंजाब केसरी टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है सोलन सब्जी मंडी से। इस वक्त हम आपके साथ लाइव जुड़े हुए हैं। तस्वीरें आप सोलन सब्जी मंडी की देख रहे हैं। मंडी में बड़ी मात्रा में प्याज की आपूर्ति हो रही है, बड़ी मात्रा में आलू सोलन सब्जी मंडी में लोकल भी आ रहा है, देसी भी आ रहा है। लगातार आलू और प्याज सोलन सब्जी मंडी में आ रहे हैं। नासिक का प्याज महंगा हो गया, 28 रुपये प्रति किलो के हिसाब से यह प्याज अब मंडियों में ही बिक रहा है। आने वाले दिनों में 30 रुपये इसका रेट होने वाला है। तो प्याज ने अब महंगाई की एक रफ्तार पकड़नी शुरू कर दी है। लगातार प्याज के रेट बढ़ते जा रहे हैं। लोकल प्याज की बात करें तो 25 रुपये प्रति किलो के हिसाब से यह सोलन सब्जी मंडी में इस वक्त बिक रहा है। तो लोकल प्याज करसोग से भी आ रहा है और करसोग के साथ साथ लोकल सोलन के आसपास के क्षेत्रों से भी प्याज की आपूर्ति सोलन सब्जी मंडी में हो रही है। लेकिन जो नासिक से प्याज बड़ी मात्रा में सोलन सब्जी मंडी में पहुँच रहा है वो महंगा हो गया है और नासिक का प्याज मंडी में 28 रुपये प्रति किलो के हिसाब से आज बिक रहा है। लेकिन एक दो दिनों में हो सकता है कि आज भी प्याज का रेट 30 रुपये के आसपास पहुंच जाए, क्योंकि अभी एक और ट्राला सोलन सब्जी मंडी में आ गया है, थोड़ी देर बाद अनलोड होगा। तो बताया जा रहा है कि 30 रुपये भी हो सकता है, लेकिन अभी प्याज 28 रुपये प्रति किलो के हिसाब से सोलन सब्जी मंडी में बिक रहा है। तो प्याज के रेट अब एक बार फिर से महंगे हो गए हैं। पिछले लंबे समय से प्याज 20 रुपये से ऊपर प्याज के रेट बने हुए थे। बीच में जरूर प्याज का जब मंडी में प्याज पंजाब का आया था तो 16 से 17 रुपए के बीच में उसका रेट आया था, लेकिन उसके बाद से फिर एक बार फिर पंजाब का प्याज भी अब 20 रुपए से ऊपर 25 रुपए के आसपास पहुंच गया है। और यदि हम नासिक का देखें तो नासिक का प्याज बड़ी मात्रा में सोलन सब्जी मंडी में और 28 रुपये प्रति किलो के हिसाब से यह प्याज सोलन सब्जी मंडी में बिक रहा है। तो आने वाले दिनों में प्याज एक बार फिर से महंगा होना शुरू हो चुका है। प्याज ने लोगों को सताना शुरू कर दिया है, आंसू निकालने शुरू कर दिए हैं, क्योंकि बाजार में तब प्याज का रेट करीब 50 रुपये के आसपास फिर से पहुंच जाएगा। इस तरह की स्थितियां बनती जा रही है। तो सोलन सब्जी मंडी में आप तस्वीरों के माध्यम से देखें, प्याज की बड़े मात्रा में आपूर्ति हो रही है और प्याज के रेट अब बढ़ने शुरू हो गए हैं। 28 रुपये प्रति किलो के हिसाब से सोलन सब्जी मंडी में इस वक्त प्याज बिक रहा है। और लोकल आलू की बात करें तो लोकल आलू मंडी में आज 25 रुपये प्रति किलो के हिसाब से बिका है। इसके अलावा आलू मंडी में देसी भी है, जो पंजाब का भी है, जो 21 रुपये प्रति किलो के हिसाब से बिका है, और पंजाब का एक 16 रुपये प्रति किलो के हिसाब से भी बिका है। लेकिन प्याज मंडी में आज 28 रुपये है, कल तक हो सकता है कि 30 रुपये प्रति किलो के हिसाब से प्याज बिके। तो कुल मिलाकर अब प्याज के रेट बढ़ने शुरू हो गए हैं और बीच में थोड़े दिनों के लिए प्याज के रेट 20 रुपये से लेकर 25 रुपये के बीच में बने हुए थे। और इस बार यदि हम देखें कि अक्टूबर के महीने से जब प्याज के रेट बढ़ने शुरू हुए थे और उसके बाद से प्याज 20 रुपये से नीचे सोलन सब्जी मंडी में कम से कम नासिक का प्याज नहीं आया। यदि 20 रुपये से कम प्याज के रेट हुए हैं तो केवल एक आधे दिन के लिए फरवरी के महीने में ज़रूर हुए थे, जब 14 रुपये प्रति किलो तक प्याज बिका था। लेकिन उसके बाद फिर प्याज ने रफ्तार पकड़ी और 20 से 25 रुपये के बीच में ही प्याज का रेट बना रहा। लेकिन अब एक बार फिर सोलन सब्जी मंडी में प्याज के रेट बढ़ने शुरू हो गए, महंगा होना शुरू हो चुका है। नमस्कार जी, पंजाब केसरी टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। आने वाले दिनों में प्याज अब फिर से आंसू निकालेगा, क्योंकि प्याज के रेटों में लगातार अब बढ़ोतरी होनी शुरू हो चुकी है। प्याज अब महंगा होता जा रहा है। सोलन सब्जी मंडी में बात करें तो नासिक का प्याज ही मंडी में 28 रुपये प्रति किलो के हिसाब से बिक रहा है। नई गाड़ी भी आई है तो बताया जा रहा है कि 30 रुपये भी हो सकता है रेट। तो कुल मिलाकर 28 से 30 रुपये के बीच में प्याज का रेट हो गया है। और अभी सीजन टाइम है, क्योंकि पहाड़ों में भी अब लोकल प्याज शुरू हो गया है, लेकिन पहाड़ी प्याज भी 25 रुपये प्रति किलो के हिसाब से मंडी में बिक रहा है। और इसके अलावा यदि हम बात करें आलू की, तो आलू 25 रुपये प्रति किलो, 24 से 25 रुपये के बीच में लोकल आलू सोलन सब्जी मंडी में बिक रहा है। पंजाब का आलू भी मंडी में आया है,
जो 16 रुपए से लेकर 21 रुपए प्रति किलो के हिसाब से सोलन सब्जी मंडी में बिक रहा है। तो आने वाले दिनों में प्याज और महंगा होगा ऐसी संभावना बनी हुई है, क्योंकि नासिक में ही प्याज की कीमतें बढ़नी शुरू हो गई है। पहले निर्यात के ऊपर से जो रोक हटी थी उसके बाद प्याज के रेट बढ़ने शुरू हुए थे। अब केंद्र में नई सरकार भी बन गई है, चुनाव के बाद से लगातार जैसे ही चुनाव संपन्न हुआ है उसके बाद मुनाफाखोरों ने अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया है, प्याज के रेट बढ़ाने में शुरू कर दिए हैं। स्थिति ये होगी कि प्याज अब महंगा होता जा रहा है। टमाटर का रेट कब तक आएगा जी? टमाटर का रेट गोपाल जी तब तक आने की उम्मीद नहीं है जब तक बारिश नहीं होगी। बारिश जब तक मैदानी राज्यों में नहीं हुई तब तक रेट बढ़ने की कोई संभावना नहीं है, क्योंकि हमारा टमाटर गर्मी में ही पकता रहेगा और नीचे का टमाटर पहले ही 100 से 150 रुपये मंडियों में बिक रहा है, प्रचुर मात्रा में है। बारिश होगी तो वहाँ का टमाटर ख़त्म होगा, हमारा चलेगा और उसके बाद ही रेट बढ़ते हैं। तो उम्मीद है कि 8-10 दिनों में, क्योंकि प्री मानसून की बारिश अब शुरू होने वाली है और प्री मानसून जब मैदानी राज्यों में पहुंचेगा तो उसके बाद हो सकता है कि टमाटर के रेट में तेज़ी देखने को मिले। तेज़ी ज़रूर होगी ऐसा नहीं है, और किसानों को रेट मिलेंगे, लेकिन अभी तो किसानों के लिए बहुत ही ज़्यादा घाटे का सौदा है, खर्चे पूरे करने मुश्किल हो गए हैं, इस तरह की स्थिति बनी हुई है। सरणजीत सिंह जी, गोपाल राणा जी, मनु ठाकुर जी, चमन लाल जी, दीवान राकेश जी, विपिन कंवर जी और पंडित जी, सभी का स्वागत है, बहुत बहुत धन्यवाद है। और कहीं जाइएगा नहीं, मौसम के अपडेट में हमारे साथ बनिए रहेगा। बारिश की संभावना है 15 से, और 15 के बाद प्री मानसून हिमाचल प्रदेश में दस्तक दे रहा है, तभी बारिश की संभावना है, तब तक मौसम साफ रहने की संभावना है। बहुत बहुत धन्यवाद जी, आप लोगों का दिन शुभ हो, मंगलमय हो, भगवान से।